आईज आर अ ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ नेचर, बट अगर आपकी स्क्विंट आईज है यानी क्रॉस आइड हो आप, जिसे हम लोग भेंगापन भी बोलते हैं, तो डीमोटिवेट मत हो, इट इज अ कंप्लीटली रिवर्सिबल कंडीशन, मतलब ये परमानेंटली ठीक हो सकती है, और वो भी घर बैठे सिंपल एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करके। इसके लिए आपको कोई भी तरह की दवाई लेने की जरूरत नहीं है और ऑपरेशन की तो बिल्कुल जरूरत नहीं होती इसके अंदर। देखो स्क्विंट आइज के फिजिकल ड्रॉबैक्स तो होते हैं, जैसे आपको दूरी का अंदाजा नहीं लगता है, आंखें कमजोर हो जाती है, विजन कमजोर हो जाता है, बट इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये होता है आपके क्रॉस आइड होने की वजह से, आपके स्क्विंटेड आइज की वजह से लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कम होने लग जाता है, विच इज अकॉर्डिंग टू मी इज वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ क्रॉस आइड। सो क्रॉस आइज के डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। बेसिकली होता क्या है, आपकी आईज को होल्ड करने वाली जो इनर मसल्स होती है वो किसी भी कारण से या फिर ओवर टाइम एक्सेस यूज करने की वजह से वीक हो जाती है, जिससे आपकी आंख किसी एक डायरेक्शन में टेढ़ी होने लग जाती है। सो इन दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा 3 टिप्स जिन्हें फॉलो करके ओनली 30 डेज के अंदर आप अपनी स्क्विंट आईज को परमानेंटली क्योर कर सकते हो। अगर आप एक फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लो उत्तरी नेत्र फिटनेस चैनल को, क्योंकि मैं प्रोवाइड करता हूँ हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड रियल एंड क्वालिटी इन्फॉर्मेशन, और बन जाइए हमारी हेल्दी फैमिली के एक हेल्दी मेंबर। हमारी फर्स्ट टिप आ जाती है एक्यूप्रेशर। हमारा आयुर्वेद और नाउअडेज इवन मॉडर्न साइंस भी एक्यूप्रेशर को बहुत ज्यादा वेटेज दे रहे हैं, एज हम लोग सिंपल प्रेशर पॉइंट्स को दबा करके अपनी बॉडी की किसी भी बीमारी को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं इसकी मदद से। और जब बात आती है स्क्विंट आइज की, तो हमें 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को स्टिमुलेट करना है। फर्स्ट एक्यूप्रेशर पॉइंट आ जाता है हमारे हाथ के अंदर इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर के बीच में, ये आपके दोनों हाथों में है, सेम पॉइंट है। इसको आपको एवरीडे मॉर्निंग एंड इवनिंग में 5-5 मिनट तक दबाना है। हमारा सेकेंड एक्यूप्रेशर पॉइंट आता है आपकी जिस आंख के अंदर स्क्विंट है, यानी जो आंख टेढ़ी हो रखी है, उस आंख की आईब्रो के सेंटर में आपको उसको जैसे तिलक लगाते हैं वैसे अंगूठे से एक्यूप्रेशर करना है। एक बात का याद रखना, आंख के अंदर की तरफ अंगूठा गड़ाना नहीं है, आईब्रो के अंदर जो बोन है उस बोन को आपको प्रेशर देना है। इस पॉइंट को आप दिन में जितना ज्यादा स्टिमुलेट कर सकते हो उतना ज्यादा बढ़िया होगा, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। मैं आपको बोलूंगा आप मिनिमम 5 मिनट्स तक इसको स्टिमुलेट करें और कम से कम दिन में 3 बार जरूर करें। हमारी सेकेंड टिप आ जाती है त्राटक। त्राटक एक एंशियंट फॉर्म ऑफ योगा है जो हमारी आई साइट को इम्प्रूव एंड क्योर करता है। त्राटक की टेक्निक को ऐसे डेवलप किया गया है जो हमारी आईज के अंदर की रेटिना को हील करती है, चाहे आपको ब्लर विजन हो, कैटेरेक्ट हो या फिर क्रॉस्ड आईज ही क्यों ना हो, ये इन सबको ऑटोमेटिकली हील करने लग जाता है, एज ये हमारे ब्रेन से कनेक्टेड आईज की जो नर्व होती है उसको एफेक्ट करता है। सो अब जान लो इन दिस केस ऑफ क्रॉस आईज हमें त्राटक करना कितना है और कब कब करना है। आपको एवरीडे मॉर्निंग में जब सनलाइट कम होती है, यानी सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच, कैंडल जला के उसके सामने बैठ जाना है। आपको इतना चीज का ध्यान रखना है कि आपकी आईज और कैंडल की जो फ्लेम होगी, लो होगी, उसके बीच में मिनिमम 1 फीट का गैप होना चाहिए। इससे थोड़ा कम बेसी होगा तो भी कोई बात नहीं है। नाउ यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट ध्यान देना है, आपको फर्स्ट दोनों आंखों से कैंडल की फ्लेम को देखना है 20 सेकंड्स तक कंटिन्यूअसली। उसके बाद आप थोड़ी देर तक आंखों को ब्लिंक करेंगे, जब आंखें वापस से नॉर्मल हो जाएगी फिर आपको जो नॉर्मल आई है उससे उसको 20 सेकंड्स तक देखना है। फिर आई को नॉर्मल कर लेना है दोनों आईज को ब्लिंक करके, फिर जिस आई के अंदर आपका क्रॉस होकर रखी है उस आई से कैंडल की फ्लेम को 20 सेकंड्स तक देखना है। ये आपको एवरीडे मॉर्निंग एक बार ऐसा करना है। हमारी फाइनल टिप आ जाती है इंप्रूविंग आई कोऑर्डिनेशन। क्रॉस आइज होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आपके दोनों आंखों के बीच का जो कोऑर्डिनेशन होता था वो खराब हो गया है, यानी आपकी एक आंख के जो मसल्स है वो दूसरी आंख के मुकाबले वीक हो गए और वो आंख एक तरफ टिल्ट हो गई है, जिस वजह से आपके दोनों आंखों के बीच का कोऑर्डिनेशन खत्म हो चुका है। सो आपको अपनी बोथ आईज की कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करने के लिए एक सिंपल एक्सरसाइज करनी है। एक पेंसिल ले लीजिए और उसे अपने आंखों की हाइट पे रख के उसे स्लोली स्लोली अपने आंखों के पास लेके आना है और स्लोली स्लोली आंखों से दूर लेके जाना है। याद ये रखना है कि आपका फुल फोकस पेंसिल के टिप पे होना चाहिए। ऐसा आपको 15-20 टाइम्स करना है और उसके सेट लगेंगे 4, और इस सेट के बीच में रेस्ट होगा 30 सेकंड्स का, जिससे आपकी आंखों को रेस्ट अच्छे से मिले और वो जल्दी हील हो। सो ये था आज का वीडियो। आपके स्क्रीन के ऊपर आई साइट इम्प्रूव की प्लेलिस्ट चल रही है, वो आप देख लेना।
अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड तो कमेंट करना मत भूलना। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। जय हिंद, वंदे मातरम।